बेरियाट्रिक सर्जरी का जो कॉस्ट आता है वो अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशन से कंपेयर करें, जैसे कि ओबेसिटी से हार्ट अटैक एंजियोप्लास्टी, ओबेसिटी से घुटनों का अर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट, इस तरह से वो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका कॉस्ट और बेरियाट्रिक का कॉस्ट कंपेयर किया जाए तो वो कैसे कंपेयर करेंगे? अनकंपेरेबल है। आपके लाइफ में बेरियाट्रिक सर्जरी से इतनी सारी कॉस्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, कहीं ट्रैवल करना, बड़े साइज के कपड़े लेना, खाना, ये सब अगर कलेक्ट करते हैं तो जनरली आपके 1.5-2 साल का ओबेसिटी के ऊपर का एक्सपेंडिचर ये बेरियाट्रिक सर्जरी से ज्यादा हो सकता है। और लकीली आज के टाइम में बेरियाट्रिक सर्जरी इंश्योरेंस में कवर्ड है। Yes. अगर ये सिर्फ कम खाने से, एक्सरसाइज से ठीक होता और बीमारी नहीं होती तो इंश्योरेंस इसको ठीक कवर नहीं करता। इंश्योरेंस पैसे देता है इसका मतलब वो एक बीमारी है, तभी इंश्योरेंस उसकी रीइंबर्समेंट करता है। That's a very important point. If it was only cosmetic, then insurance wouldn't cover it. But since it is obesity is a disease which people should now recognize, that's the only reason that it is covered under insurance.